इसी के साथ एक कॉलर है राज सेठी, जयपुर से हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हेलो हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्म में, सवाल कीजिए। ऐसी है मेरी मेरे ना क्या मेरे गठिया का रोग है। जी मेरे जोड़ों जोड़ों में दर्द बहुत रहता है जी, और मेरे मतलब हाथों की उंगलियां और के लेकर नीचे पैरों तक बहुत ही मतलब कि ऐसे सुन वो हो जाते हैं, मैं टेढ़े भी हो रहे हैं, और मतलब कि हड्डियों में इतना दर्द रहता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। जी आपकी अभी कितनी उम्र है और कितने दिन से ये रोग है? मेरी मेरी उम्र जो है मेरी उम्र इस वक्त 75 है, ठीक है, रोग कितने दिन से है? काफी दिन हो गए हैं, और मेरी मतलब कि कई बीमारियां हैं। एक तो मेरे गैस भी बहुत बनती है, एक मेरी मतलब कि इंचिंग भी होती है, और मतलब कि ये ज्यादातर मेरी ये हड्डियों में ये सुन्न हो जाते हैं, और इतना हड्डियों में दर्द रहता है, मतलब मैं हाथ पैर ही पटकती रहती हूँ, और इतना खिंचाव आता है मेरी टांगों में, बहुत खिंचाव आता है ठीक पैरों है, में ठीक टांग। ठीक है। देखिए, खुशखबरी तो यह है कि ये रोग आपका ठीक भी हो सकता है अगर आप हमारी बात पर तवज्जो दें, हमारी बात गौर से सुने, चाहे तो लिख लें चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसी तरह से आप नुस्खा इस्तेमाल करें। देखिए, आप 80+ हैं और बहुत ही सम्माननीय हैं हमारे लिए। अलसी आप जानती होंगी, अलसी क्या होती है, किचन में भी रखते हैं लोग अलसी। एक 500-600 ग्राम अलसी ले लीजिए, उसको हल्का सा भून कर और पाउडर बना लें। अब ये तो अलग रखिए पाउडर, और एक गोंद आता है गोंद स्याह, शायद आप बड़ी उम्र वाली हैं तो आपने कभी सुना हो इसके बारे में। ये मिलता बहुत मुश्किल से, आपके ज़माने में असली मिलता होगा, आजकल नकली भी मिल जाता है। एक काला गोंद जो बहुत ही कामयाब है जोड़ों के दर्द में, गठिया में ख़ास तौर पर, तो ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए। इसको भी रॉ मटेरियल ख़रीदना है और इसको अलग रखना है, पाउडर इसका अलग रखना है। सुबह नाश्ता करने के बाद एक चम्मच अलसी पाउडर लें और ऐसे दो चुटकी में जितना गोंद सियाह यानी काला गोंद आए, ये असली लेना, कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, इसको आप खाएं और गर्म पानी पिएं। दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं और 2 बार ये खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, लगातार करें। अगर 10% भी फ़ायदा 1 महीने में हो तो 1 साल लगेगा, 20% हुआ तो 5 महीने लगेंगे, लेकिन ये इस रोग के लिए गठिया खास तौर पर इसमें फायदा होना मुमकिन है। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, खुशी जी ने हमें कॉल किया है अमरोहा से। खुशी जी स्वागत है, सवाल कीजिए। हमारा पेट बहुत भर रहा है जी। उम्र कितनी है आपकी? 14। 14 जी, 14 साल की है। फोर्टीन ठीक है। बेटा, आपको खूब व्यायाम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए 1 घंटा धूप में, और भूख ज़्यादा लगती हो तो खाना कम खा लीजिए बस। जितनी रोटी आप खाते हैं ना, एक ज़माने में हम बहुत खाना खाते थे, और जब ये पता चला कि खाना खाने में स्वास्थ्य नहीं है, खाना कम खाने में स्वास्थ्य है, तो आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दीजिए, और पैदल चलिए, दवा मत लीजिए। आपकी उम्र बहुत कम है, ग्रोथ की उम्र है, कोई दवा मत लीजिए, और आपका हाजमा ठीक रहेगा। आप पैदल चलेंगे तो रग रग और जोड़ जोड़ मजबूत होगा, और खाना है तो फिर फ्रूट खाइए, वो भी कम खाइए, और धूप में चलिए, 5 बार गर्म पानी पीजिए। अपना आप आपकी चर्बी और पेट ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। एक और दर्शक हैं, संतोष जी हैं, राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। संतोष जी स्वागत है, सवाल कीजिए।
और ये समस्या कब से है आपके साथ? ये कई साल से, जैसे पिता की फैमिली का भी ऑपरेशन हुआ था जी, खाना हजम नहीं आता, पेट बढ़ता ही जा रहा है, एक रोटी खाने के बाद। ठीक है जी, लीवर का प्रॉब्लम हुआ था इनको, पेट बढ़ता ही जा रहा है, कुछ खाना हजम नहीं होता है और बहुत परेशान है। अच्छा देखिए, महिलाओं से मैं देखता हूँ अपने घरों में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, कि जो चीज़ हमें ज़्यादा डालनी चाहिए अपने सब्जी में वो इतना सा डालते हैं, इतनी सी अदरक डालेंगे, बिल्कुल इतनी सी, और इतना सा ही लहसुन डालेंगे। कभी आप अपने सालन में सब्जी में इतना लहसुन और इतना अदरक डाल के देखिए, आपको खाना खाते ही हजम हो जाएगा। ये जो इतनी सी अदरक डालते हैं ये गलत है, इतनी सारी डालनी चाहिए, क्योंकि इतनी सी डालते हैं तो हिस्से में कितनी कितनी आई, पांच लोगों के लिए खाना बना, इतनी सी अदरक, इतना सा लहसुन, इतना डालिए लहसुन, इतनी अदरक। अच्छा, जिन लोगों का पित्ते का ऑपरेशन हो गया है, अगर इतनी अदरक और इतने लहसुन डालेंगे तो ये पित्ते का काम करने लगता है, चर्बी बढ़ने नहीं देता, चर्बी को निकाल देता है, और बहुत अच्छी दवाएं हैं ये अदरक और लहसुन, सिर्फ इससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर घरेलू नुस्खा कोई चाहिए तो देखिए बड़ा अच्छा है, ये मेथी का दाना लीजिए 500 ग्राम पाउडर बना लीजिए, और ये नमक जैतून आता है, जैतून का नमक कहते हैं, यानी रसायन जैतून या एस्टेक जैतून, ये जैतून से उसका रसायन निकाल लेते हैं, ये देखने में नमक जैसा और नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम इसमें मिला दीजिए मेथी में, मेथी दाने में, फिर आधे से एक चम्मच सुबह और शाम खाएं, देखें आपका पेट का हर रोग, किडनी का रोग, लीवर की परेशानी, लीवर का फैटी होना, आंतों में चर्बी होना, आंतों में सूजन होना, हजम खराब होना, गैस बनना, ये सारी समस्याओं से निजात मिलना मुमकिन है। राजधानी दिल्ली से लता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनकी परेशानी के बारे में। जी लता जी बताइए। हेलो, नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी, हमें अतीम साहब से बात कर रहे हैं, हमारे जो हस्बैंड है उनको पार्किंसन है। अच्छा, क्या उम्र है, कब से है? उनकी उनकी 74 उम्र है जी, और उनको हो गए 7-8 साल की। कितना पूरे पूरे शरीर में है क्या? हाँ जी, पूरे शरीर, स्लोनेस है पूरे शरीर में, हाथ नहीं कांपते लेकिन स्लोनेस है। ठीक है ठीक है। और वो स्टिफनेस है। हाँ जी, हमने आपके वहाँ से, जी जी बोलिए, हमारे को टी केयर का कैप्सूल तो बताया था, तो आप बताइए हमारे को क्या करना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ वो दवा सही बताइए आपको, वो उसका एक बार या दो बार इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर उनका शरीर एक बार बर्दाश्त कर सकता है तो एक कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए, और दो बार दे सकते हैं तो दो बार दीजिए। और ऐसी ख्याल रखिए अपने पति का, आखिरी उम्र और ऐसी उम्र में महिलाएं अगर अपने पतियों का ऐसा ही ख्याल रखें, क्योंकि पति की उम्र पत्नी से थोड़ी बड़ी होती है, तो इस उम्र में पत्नियों को अपने पति को संभालना चाहिए। और मूंग की दाल के बने हुए व्यंजन, यानी मूंग की दाल भुनी हुई आती है, मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल खुद एक सब्जी बना के देते हैं, मूंग की दाल का हलवा, उससे बना के उन्हें खूब खिलाया करिए, और ये दवा दीजिए, आपको फ़ायदा देखिए 5% रह जाएगा, बाकी रोग में फायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर है, आकृति जी हमें कॉल कर रही हैं पटना से। आकृति जी स्वागत है, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हेलो आकृति जी, सवाल कीजिए अपना। मेरे हम गिर चुके थे तो उसमें पैर में चोट लग गया था, चोट लगने के बाद नस में प्रॉब्लम होता है, बहुत दर्द होती है। उम्र कितनी है आकृति आपकी?
40 पैर में चोट लग गई थी, उसमें काफी तकलीफ होती है। ठीक है, जान में चोट लग गई थी। आकृति जी, आपकी ये समस्या हल हो सकती है। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला नहीं हो तो वो लगवा लें, उसका इस्तेमाल करें तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और दवा बतौर आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम टी फॉर टाइगर अगर लें तो बहुत जल्द आपकी ये समस्या का ठीक होना मुमकिन है। पी एल तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से हमें कॉल किया है। तिवारी जी, सवाल कीजिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, हकीम साहब से जरा बात करा दें। जी तिवारी जी, आदाब तिवारी जी। सर जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थायराइड बढ़ रहा है जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। अच्छा, देखिए आपके पास पेन और कॉपी है? हाँ जी, हाँ है। अच्छा, मैं बोलता हूँ और आप लिखिए, और ये नुस्खा आपने तिवारी जी सब अजीजों को पोस्ट कर दीजिए। ये नुस्खा बहुत कीमती है। आजकल मोबाइल से कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं। हम भी अपने फ़ोन से, अपनी फेसबुक से ये नुस्खा भेजते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप भी भेज सकते हैं। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम। धनिया जो आपके घर में किचन में साबुत धनिया हो तो अच्छा, या घर में पीसे इसको। धनिया 300 ग्राम, आंवला भी सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, और मेथी जो हमारे किचन में मेथी दाना होता है, मेथी के बीज वो भी 100 ग्राम। 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, ये आप ज़रूर लिखें। बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान है, लेकिन गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला नहीं, वो नकली होता है लाल वाला। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। अब इनको पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, जो शख्स भी खाए थायराइड वाला उसका 6-7 महीने में थायराइड का ख़त्म होना मुमकिन है। लेकिन वो गोली खाते रहें जो आप थायराइड की खाते हैं, उसे एकदम से ना छोड़ें। अगले महीने से आपके डॉक्टर जब आपकी नई रिपोर्ट देखेंगे, और आप भी देखें पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट, तो आपको ताज्जुब होगा कि आपका डॉक्टर ने कहा कि आपका थायराइड कम होने लगा, इसलिए मैं थायराइड की गोली की पोटेंसी कम कर रहा हूँ। ये डॉक्टर कहेगा 1-2 महीने में, और 4-6-8 महीने में आपको थायराइड से निजात मिल सकती है। जितना फैलाना है फैला दीजिए इस नुस्खे को, पहले खुद यूज़ कीजिए फिर सबको बता दीजिए। थायराइड बहुत हो रहा है, महिलाओं को बहुत हो रहा है, ये डायबिटीज़ की तरह एक बीमारी है। इसको कंट्रोल करिए, अपने ख़ानदान में, अपने गाँव में सबको बताइए, अगर आपको फायदा हो। फैजाबाद से गौरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गौरी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी मैं सर से भी नमस्ते करना चाहती हूँ। जी गौरी बताइए। सर मेरे तो चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं। जी, और दाग धब्बे आ गए हैं, तो हमने आपके यहाँ से दवा भी ऑर्डर करवाई है तो। हाँ सर, उसके अलावा मुझे एक प्रॉब्लम और है, जैसे मेरी एक दवा चल रही है, लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन था तो उसकी असर चल रही है लंग्स की, सूजन आ गई थी वो तो आपकी नली में, पता चला आ गई थी लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन है, उसकी दवा चल रही है, तो सर कोई दवा उसके लिए बताएं। ठीक है। अच्छा देखिए, लंग्स मजबूत होने ज़रूरी है, क्योंकि सांस यही लेते हैं, और सांस ख़त्म तो आदमी ख़त्म। तो लंग्स की मजबूती के लिए सबको दवा लेनी चाहिए, और लंग्स को खूब पूरी तरह फूलना चाहिए। उन्नाव, अलसी, उन्नाव, अलसी और लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी, लिसोड़ा 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपलें जो हमारे गरम मसालों में पाई जाती हैं, इनको पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह ज़रूर खाया करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी ले सकते हैं, खाली पेट सुबह, रात को सोते समय गर्म पानी से लिया करें। और मैं तो आपको मशवरा दूंगा, बल्कि सबको मशवरा देता हूँ
गर्म पानी पिया करें। मैं प्रोग्राम से पहले यहाँ आया हूँ तो गर्म पानी पी के आया हूँ। फेफड़े यानी लंग्स बहुत मजबूत रहते हैं, जिसम में बड़ी ताकत रहती है, करंट सा रहता है, तो ये इस्तेमाल करें, आपके लंग्स भी ठीक होना मुमकिन है।